अस्सलामुअलैकुम। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज का वीडियो आपको बताएगा कि स्टूडेंट का एक दिन ऑस्ट्रेलिया में कैसे गुजरता है और उसको एक दिन में उसको क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा, मैं अपने कॉलेज जाऊंगा, आपको अपनी सारी रूटीन दिखाऊंगा कि कैसे मैं एक दिन गुजारता हूँ अपने कॉलेज में और क्या क्या करना पड़ता है हमें पूरे दिन में। जिन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता तो उन्होंने काम पे जाने की तैयारी करनी होती है। क्यों भाई साहिर? सोया उठे। आज थोड़ी सर्दी ही है और मेरे फ़ोन का कुछ 4-5 बार अलार्म बज चुका है। मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, 8 बजे मोस्टली मैं कॉलेज पहुँचता हूँ, मगर आज वो अलार्म बजता ही रहा है और मैं नहीं उठा क्योंकि रात को 4 बजे भूख लगी थी और मैंने रात को ही खाना खा लिया था। सो इस वजह से वो खाना उठा और रूटीन ख़राब हो गई तो मैं लेट हो गया। ठीक है, अभी आज 8 बजे निकलूँगा और तकरीबन 10 बजे पहुँचूँगा। अभी रेडी होना पड़ेगा ना थोड़ी देर के लिए। रेडी हो गया हूँ मैं कॉलेज के लिए, सब कुछ ले लिया, ऑल गुड हो गया। और ये रहे हमारे साहिर साहब, इधर हम कॉलेज के लिए तैयार हो रहे, उधर साहिर साहब काम के लिए जा रहे। हाँ यार, कहते हैं ना शेर वाले मुँह धुप्पे होंगे, मगर असी कौन नहीं शेर, मुँह शू तो होके जाइए भाई, रेडी होके जाइए। भावें उत्थे कुड़ियां छुड़ियां कौन नहीं, मेरी क्लास ही सिर्फ मुंडे ही है। तंगुहाने कि साड़ी तैयारी किस तरह की होती है तो गोरियां की तैयारी किस तरह होती है। लो जी, तो घर के सामने ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन भी रुकती है भाई बंदों के टाइम गुजरने के टाइम पे। ये देख रहे हो भाई, अपने देसी जो है वो ट्रेन पे जा ट्रेन स्टेशन पे जॉब करते हैं। ट्रेन स्टेशन की जॉब जो है उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले ये काम भी एबीएन पे था जैसा कि अभी उन्होंने टीएफएन पे कर दिया। तो पहले लोग क्या करते थे, ट्रेन स्टेशन पे जॉब करते थे और इजी होके, अभी भाई उनका भी ध्यान से काम करना पड़ता है। अभी ये चीज़ भूल जाए कि आप जो है ट्रेन स्टेशन पे थोड़ा ज़्यादा काम कर सकते हैं कि नहीं। ओ, बड़ी मुश्किल से यार ट्रेन पकड़ी गई है और एक मिनट भी लेट हो जाता ना तो बस आपके भाई लेट हो जाना यार। इसमें ये सीन होता है, कुछ ट्रेन होती है लिमिटेड स्टाफ और ये थी लिमिटेड स्टाफ, इसने सिर्फ 2 स्टाफ पे रुकना था और नेक्स्ट सीधा मेरे कॉलेज वाले सबब में जाना था। कॉलेज में आके जाने के लिए मुझे एक बस लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही स्टेशन से 3 डिफरेंट ट्रेन जाती है। ठीक है, डेस्टिनेशन उनका एक ही होता है मगर उन्होंने पूरा मतलब सबब कवर करते जाना होता है। ये नहीं है कि आप यहाँ से सीधा जाओगे और सारे सबब उसी रास्ते में आ जाएंगे, नहीं, आप उसके लिए उन्होंने 3 ट्रेनें बनाई हुई, एक ऑरेंज लाइन है, एक ग्रीन लाइन है और एक ब्लू लाइन है। ठीक है, सो वो डिफरेंट सबब्स को कवर करते हुए जाती है। सो तो इसी के साथ मुझे मेरे क्लासमेट जो है वो ट्रेन स्टेशन पे मिल गए। ठीक है, तो अब हमारा फ़र्क क्या, आपने सुबह मैंने देखा होगा कि मैंने सुबह अपने बैग में क्या क्या रखा है और इनके बैग देख लो, इनके बैग में टूल पड़े होते हैं, ठीक है, मीटर पड़े हुए हैं,
टेप पड़ी हुई, ठीक है, कि इनको पता होता है कि इन्होंने आज ये काम करना है और जो जो टूल यूज़ होते हैं वो टूल्स ये अपने साथ लेके आते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, क्योंकि इनके पास सब टूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे टूल्स बहुत एक्सपेंसिव है भाई, एक हथौड़ा लेने के लिए $200 लगाना पड़ता है, ठीक है, $200 से भी $500 तक का भी हथौड़ा मतलब आप ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो वेट द क्रिस, सो ओके अपने बैग, हाय क्रिस, हाउ आर यू भाई, आप देख लो, मम्मी रेडी बन के जाते हैं और ये काम करने वाले बन के जाते हैं। हमारे यार हमेशा ज़्यादा पैसे काटते हैं। और हाँ, ये आ गया पैरामेटा स्टेशन, तो अब यहाँ कितने क्या करना है, मैंने बस स्टैंड पे जाना है, बस A3 पे, सो A1 to A3 इस साइड पे होंगे। और हाँ भाई, हाँ, ट्रेन से उतर के बस में बैठो विद इन 1 आवर, तो आपकी जो पिछले आपने पैसे आपके कटे होते हैं वो दोबारा ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हाँ जी, कॉलेज में कदम जा रहे हैं, ओह छड़े साढ़े बाहर चलते ने कॉलेज के अंदर दिन, ठीक है, गप्पा शप्पा ला रहे ने। तो जी ये है बेस, ये बेस बना के इसके ऊपर आओ, ऐ वेखो पतीसे बेचण आए जे बंदे, ठीक है। अब ये बेस बना के उसके ऊपर वो हमने फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, वो फ्रेम बना के उसके ऊपर सेकंड फ्लोर बनाने के लिए रूफिंग करते हैं, रूफिंग के लिए ये बनाया गया हुआ है, ठीक है। तो ये सेकंड उठा के इसके ऊपर रखेंगे, फिर उसके ऊपर सेम ऐसे ही ढांचा बनेगा, फ्रेम बनेगा, तो इसको कहते हैं वो कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग वाला, और ये कारपेंट्री का वर्क है, ठीक है। आप घर पूरा देख लो, यहाँ पर पूरा घर लकड़ी का बनता है, ठीक है, पहले इसके दरवाजे वगैरह हर चीज़ हमने बना के रखी हुई है, ठीक है, यहाँ से समझ लो एक एंटर हो रहे हो, वो टॉयलेट है, सो ये सब हमारा निज़ाम है। और आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे टूल्स वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है, हमें हर किस्म का टूल्स दिया होता मगर अभी लॉक है, क्योंकि आज हम हमारे मार्टिन सर जी नहीं आए, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो सो आज का दिन बेकार गया। और ये जितनी भी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं हम जितनी चाहें काट सकते हैं, फेंक सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सब पे किया हुआ है इनका। देखो बोर्ड शूट चिके असा बोर्ड के पाए होंगे ने दूजे फैशनेबल वाले, ठीक है, होने ही आप भा की गड्डी चढ़ाए होंगे ने, ठीक है, होने वो चाह के भी पाने ने ਇੱਥੇ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਰਦਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਪ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕਲਾਸ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਚੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਲੈਣ, ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿਵਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੈਚਲਰ ਕੀਤਾ, ਬੈਚਲਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀ ਆਰ ਦਾ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਪੀ ਆਰ ਲੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੀ ਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ, ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੀ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ
पक्के पक्के कनाडा वाले नहीं पक्के ऑस्ट्रेलिया वाले बना ले। ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया पावे सामने छोड़ दे सिंगल सीरीज छोड़ दे। लो जी अज्ञा दिन तो बिगाड़ गया होना कि भाजी घर जा रहे हैं तो अली भाई सानू ड्रॉप कर जा रहे हैं स्टेशन पर। ये है पैरामेटा सिटी, सिटी इसको भी सिटी कहते हैं सीबीडी। आ मेरा आ गया ट्रेन स्टेशन भारी, मैंने हूँ इतने सड़क पर लाएंगे देखो ना इशारे वालों को पता इतने लैना बंदे ने। ओके थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके नेक्स्ट दिस ट्रेन विल स्टॉप एट रेडफर्न चेंज एट रेडफर्न फॉर T3 तो जी इसे कहते हैं पूरा दिन बर्बाद जाना। ठीक है, आप थोड़ा सा भी टाइम आपका वेस्ट हो जाए तो इसका मतलब आपका पूरा दिन बेकार। अभी मैं क्या हूँ, अभी मेरा माइंड सेट था कि मैं कॉलेज जाऊँगा, पढ़ूँगा, रात को आके रेस्ट करूँगा, नेक्स्ट डे फिर कॉलेज जाऊँगा। मगर आज का दिन क्या हुआ, कॉलेज बेकार गया, आज कुछ सीखा भी नहीं और टाइम भी वेस्ट हो गया। आप मुझे रेस्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं अब जहाँ भी माइंड सेट करके जाओ उसके बाद आके बंदा सोता ही है और थक जाता है। यहाँ तो मैं आज कुकिंग करूँगा तो यहाँ रेस्ट करूँगा, फिर कल फिर कॉलेज है। मुझे लगता है कल का दिन फिर भी कॉलेज में वेस्ट होगा और इसका मैं पार्ट टू बनाऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि काम कैसे करते हैं हम और इस काम में हम कितनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या हैजर्ड्स हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या से मतलब ए टू सी आपको बताऊँगा कि कैसे हम काम करते हैं। ठीक है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड भी करूँगा आप ये कॉलेज भी ज्वाइन करो और ट्रेड कोर्स में आओ, या इसके अलावा भी बड़े कोर्स हैं यार जिसमें आपको पीयर मिल सकती है।